बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 22वां लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और हमने चैप्टर 19 स्टार्ट किया था, विच इज़ अबाउट द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और आज के लेक्चर में हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कुछ रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। हमें मालूम है दिस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स belongs to that class of organic compound which contain carbonyl as a functional group. So C double bond O, it means, because this C double bond O hai, it means this is unsaturated. And number second, this carbon oxygen bond is highly polar. So ek to chuki unsaturated hai, iska matlab ye hua ki inme addition ho sakti hai. Number secondly, this carbon oxygen bond is polar क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। सो इसमें एडिशन तो हो सकती है। सो फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन बिकॉज दिस कार्बन एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड द ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए। और अगले स्टेप में जो ऑक्सीजन है, जो नेगेटिव चार्ज, इट विल पिक अप द प्रोटॉन एंड वी गेट द प्रोडक्ट। सो ओवरऑल चेंज क्या आई कि दिस सी डबल बॉन्ड ओ इज चेंज टू सी सिंगल बॉन्ड ओ विद द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज ए प्रोटॉन। सो दिस इज द एडिशन। लेकिन चूंकि इसमें पहले स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है कार्बन के ऊपर और अगले स्टेप में प्रोटॉन ने प्रोटॉन ऐड हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एडिशन कैन टेक्स प्लेस एंड दिस एडिशन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सो देयर मोस्ट कॉमन रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड अ प्रोटॉन अक्रॉस द कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सो दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन and that is nucleophilic addition reaction. So these are nucleophilic addition that might be base catalyzed or might be acid catalyzed. Means कि C double bond O में addition होनी है nucleophile की, और इसको हम base catalyzed भी कह सकते हैं, mean in the presence of base हम इस reaction को करवा सकते हैं, and similarly in the presence of acids. So today we are going to discuss the base catalyzed as well as some example of the acid catalyzed nucleophilic addition. So ये general mechanism है base catalyzed nucleophilic addition का. So in the presence of base, it means we will use some hydroxide ions which will act as a base. So सबसे पहले it will pick up the proton from the nucleophile and generated the strong nucleophile. So in the next step, this nucleophile, mean this nucleophile has two electrons or the negative charge, it will attack on this carbon and these two electrons move toward the oxygen, so oxygen will negative charge aa jayega. To agle step mein jo oxygen ko negative charge hai, it will abstract the proton from this water and we will get the addition product. So hum keh sakte hain ki this base catalyzed nucleophilic addition consists of three steps. First, generation of strong nucleophile. Second, the attack of nucleophile on the electrophilic carbon. And third, the abstraction of the proton by the oxide or the O negative ion. So, fayda kya hai base catalyzed ka? So, base is used to make the strong nucleophile. To hamare paas mukhtalif examples hain base catalyzed nucleophilic addition ki. उस पर हम कुछ को आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ देम इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। सो दिस इज आवर एल्डिहाइड एंड दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड एंड दैट हाइड्रोजन साइनाइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम साइनाइड एंड HCl। तो इसमें से H ने ऑक्सीजन के पास ऐड हो जाना है और CN ने कार्बन के पास ऐड होना है एंड डबल बॉन्ड इज चेंज टू सिंगल बॉन्ड। तो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि न्यूक्लियोफाइल विल गो टू कार्बन एंड प्रोटॉन विल गो टू ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड इज चेंज टू द सिंगल बॉन्ड। सो दिस विल बी द ओएच एंड सीएन। क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड है, दिस विल कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन।
इस तरह ये एसिटाल्डिहाइड, अगर हम इसमें एच एन ऐड करेंगे तो इट विल कॉल्ड द एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये कीटोन है हमारे पास एसीटोन, तो इसमें एच सी एन ऐड करेंगे तो हमारे पास कहलाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो इस रिएक्शन का बड़ा फायदा है कि जो सी एन होगा, जो साइनोहाइड्रिन होगा, इफ इट इज एसिड हाइड्रोलाइज्ड, तो दिस जो सी एन है इट इज चेंज टू सी डबल ओ एच, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर एक एक ओ नहीं है, दिस विल बी सी ओ ओ एच कार्बोक्सिल ग्रुप। जैसे हमारे पास ये है एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, मैंने इसको यहाँ पे दोबारा लिखा है, दिस इज एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, और उसके हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया है तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया। तो इसका खास नाम है एसिड का, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, या इसको कहते हैं 2-hydroxypropanoic acid। तो ये बड़ी अहम कन्वर्जन आ सकती है पेपर में, हाउ यू कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड। तो ये 2-step process होगा, फर्स्ट आप एसिटाल्डिहाइड में एच सी एन ऐड करेंगे, यू विल मेक द साइनोहाइड्रिन एंड देन यू विल एसिडिक हाइड्रोलाइज दैट वन एंड वी विल गेट द लैक्टिक एसिड। इसके मैकेनिज्म में अगेन उसी तरह जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि 3 steps, सो दिस बेस विल पिक अप द प्रोटॉन एंड इट कन्वर्टेड टू सी एन नेगेटिव, दिस इज साइनाइड, इट विल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड देन इट्स अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस 2 electron मूव टुवर्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ओ नेगेटिव आ जाएगा। और अगले स्टेप में दिस ओ नेगेटिव विल पिक अप द प्रोटॉन एंड विल कट द साइनोहाइड्रिन एंड दिस ओ एच इज जनरेटेड, जो कि हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो ये एंड पे प्रोड्यूस हो गया। एक और रिएक्शन हमारे पास दिया हुआ है, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सो एन ए एच एस ओ थ्री, दिस इज सिमिलर टू द एच सी एन, तो इसमें एच ऑक्सीजन के पास जाके ऐड हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है एस ओ थ्री एन ए, इट विल गो टू दिस कार्बन, तो इसको बोलेंगे बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। तो चाहे ये फॉर्मल्डिहाइड होगा तो उसे कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, एसिटाल्डिहाइड एडिशन प्रोडक्ट एंड दिस इज द कीटोन एडिशन प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में अगर हम इस बायसल्फाइड को ऑन हीटिंग आर डाइल्यूट मिनरल एसिड रीजनरेट द पेरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर हम इस बायसल्फाइड को रखें एसिड से करवा दें हीट कर दें तो दिस विल गो बैक टू एंड वी विल गेट द रिएक्टेंट द एल्डिहाइड। सो दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड सच एज द अल्कोहल, तो हम इसको वहां से प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकेनिज्म की तरफ आ जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सोडियम बाइसल्फाइड इट्स आयोनाइजेस एंड वी गेट द एन ए पॉजिटिव एच पॉजिटिव एंड दिस एस ओ टू नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव, so this is SO3Na which we said SO3Na, so this will attack on this carbon and these 2 electron move toward the oxygen and then this O negative will pick up the proton and then we get the bisulfite addition product. So uski summary mein hum keh sakte hain ki this carbon double bond oxygen is into carbon single bond with the addition of proton to the oxygen and the negative part towards the carbon. एक और बड़ा अहम रिएक्शन है बेस कैटलाइज्ड का, दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म मीन क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म का एक्सपेरिमेंट भी लैब में दिया हुआ है। सो इसमें हम करते क्या है, ओनली एसिटाल्डिहाइड एंड मीथाइल कीटोन्स रिएक्ट विद हैलोजेंस क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव हेलोफॉर्म। अगर हम सी एल यूज करेंगे तो क्लोरोफॉर्म होगा, अगर हम बी आर यूज करेंगे तो ब्रोमोफॉर्म होगा, और अगर हम आयोडीन यूज करेंगे तो आयोडोफॉर्म होगा एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड मीन्स एसिटाल्डिहाइड और द मीथाइल कीटोन, मीन एक साइड पर हमें मीथाइल होना जरूरी है। रिएक्शन विद 3 molecules ऑफ द हेलोजन एंड 4 moles ऑफ द बेस, सो दिस विल break from here and on the one side we will get the salt of acid and this carbon will go to the chloroform or the haloform CHX3 NaX and water, so
सो इट्स अ 3-4 स्टेप प्रोसेस. सो स्टेप बाय स्टेप यहां से एच रिप्लेस होता है और यहां पे हैलोजन अटैच होता है. तो दिस इज एसिटाल्डिहाइड, तो यहां से ब्रेक होगा. सो दिस विल गो टू द हैलोफॉर्म एंड दिस विल बी द सॉल्ट ऑफ एसिड. चूंकि एसिड जो है और बेस की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्ट बन जाता है. इसी तरह ये एसीटोन है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और इसका क्षण हम आयोडीन से करवा रहे हैं. वी विल गेट द आयोडोफॉर्म एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस एसिड. सो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसिटेट. तो ये हमारे पास जो है ये सॉल्ट बनता है. तो ये भी एक मेथड है जिसके जरिए आप एसिड बना सकते हैं, विच विल बी द वन कार्बन लेस देन द पेरेंट एल्डिहाइड और द कीटोन. और दिस हैलोफॉर्म टेस्ट और आपको आप आयोडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं. That can be used to differentiate between methyl ketone and higher ketone. Similarly, it can be used to differentiate between acetaldehyde and higher aldehyde. क्योंकि कार्बोनल के साथ एक मिथाइल का होना बहुत जरूरी है, एक मिथाइल का होना बहुत जरूरी है. जैसे हमारे पास अगर एथेनॉल होगा और प्रोपेनॉल होगा, तो एथेनॉल मीन एसिटाल्डिहाइड विल गिव दिस टेस्ट, प्रोपेनॉइल एल्डिहाइड विल नॉट गिव दिस टेस्ट. सिमिलरली फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड. अब एसिटाल्डिहाइड में यहां पे C3 होता है, फॉर्मल्डिहाइड में यहां पर H होगा. सो दिस एसिटाल्डिहाइड विल गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट और फॉर्मल्डिहाइड टेस्ट नहीं देगा. तो इस तरह पेपर में आ सकता है हाउ यू डिफरेंशिएट. इसी तरह अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल आल्सो गिव दिस टेस्ट having OH at the carbon number 2. तो यहां पर भी अगर आप देखें तो यहां पर मिथाइल अवेलेबल है. सो सेकेंडरी अल्कोहल कंटेनिंग द मिथाइल ग्रुप आल्सो अंडरगो दिस रिएक्शन. एथेनॉल इज ओनली प्राइमरी अल्कोहल दैट गिव्स दिस रिएक्शन. तो यहां पर प्राइमरी अल्कोहल में मेथनॉल और एथेनॉल है, तो यहां पर भी C3 मार्क्स मौजूद है. सो एट ऑन वन साइड ऑफ द OH मीन फंक्शनल ग्रुप वी हैव मस्ट दिस मिथाइल. तो यहाँ पर भी मिथाइल मौजूद था. तो इसी तरह पेपर में आ सकता है हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन वन प्रोपेनॉल एंड टू प्रोपेनॉल. सो वन प्रोपेनॉल में यहाँ पे OH वन नंबर कार्बन पे होगा एंड टू प्रोपेनॉल दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल. सो टू प्रोपेनॉल विल गिव दिस टेस्ट और वन प्रोपेनॉल ये टेस्ट नहीं देगा. इसी तरह एक और क्वेश्चन भी है कि हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन मेथनॉल एंड एथेनॉल. सो एथेनॉल विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट and methanol will not give the hydroform test. And halogen reaction affords a convenient method for converting a methyl ketone to the carboxylic acid containing one carbon atom less than the parent compound. तो हमने बेस कैटलाइज्ड के तीन रिएक्शंस पढ़े हैं, addition of HCN, addition of sodium bisulfite and haloform reaction. इस तरह addition of Grignard reagent भी है जो हमने पिछले chapters में पढ़ा है कि Grignard reagent addition into formaldehyde we will get the primary alcohol, into acetaldehyde we will get the secondary alcohol and in the ketone we get the tertiary alcohol. Now come to the acet catalyzed. So acet catalyzed addition again होनी तो addition ही है, but now because this is acid catalyzed, so first this oxygen it will pick up the proton and this oxygen will get the positive charge. Isse fayda kya hua ki it increases the electrophilic character of the carbon. Now is carbon pe aasani se attack ho sakta hai. So the nucleophile will attack on this carbon and these two electrons will move to the oxygen and we will get the proton. To isme overall change kya aayi hai ki double bond is changed to single bond, ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन ऐड हो गया है और कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया. तो जो डिफरेंस है बेस कैटलाइज एंड एसिड कैटलाइज, सो आई कैन से दैट द बेस कैटलाइज रिएक्शन इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड एसिड कैटलाइज रिएक्शन इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. सो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन दिस कार्बन इजिली. तो इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं. तो फर्स्ट इससे कैटलाइज रिएक्शन हमारे बुक में दिए हुए हैं. वन ऑफ देम इज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. बोथ फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड
polymerize in the presence of dilute sulfuric acid to give metaformaldehyde and paraldehyde. तो यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के, दे पॉलीमराइज एंड दे रिएक्ट टू द ऑक्सीजन एंड दे मेक अ रिंग. सो अल्टरनेट दिस इज CH2, तो बेसिकली ये CH2O है. सो CH2O CH2O एंड CH2O दे मेक अ सिक्स मेंबर रिंग, अल्टरनेट ऑक्सीजन एंड CH2. दिस इज कॉल्ड एज द पैराफॉर्मल्डिहाइड, मेटाफॉर्मल्डिहाइड. और अगर हम एसिटाल्डिहाइड ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा CH3CHO. तो यहां पर भी तीन मॉलिक्यूल CH3CHO CH3CHO एंड CH3CHO, सो दे मेक अनदर रिंग, दिस कॉल्ड एज द पैरा अल्डिहाइड. तो पेपर में आ जाता है द रिएक्शन ऑफ दिस एसिड अल्डिहाइड इन बेस कैटलाइज्ड एज वेल एज द एसिड कैटलाइज्ड. तो ये एसिड कैटलाइज्ड में दे पॉलीमराइजेस और बेस कैटलाइज्ड में दे मेक अ न्यू प्रोडक्ट. वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. Addition of alcohols. So aldehydes combine with alcohol in the presence of hydrogen chloride gas to form the acetals. तो यहाँ पर ये aldehyde है. अगर हम alcohol से reaction करवाते in the presence of HCl, so two molecule of this alcohol will add and we will get this product. So OCH2H5, this is its name will be 1,1-diethoxyethane. So, because this is the ether, you know, ये ether है हमारे पास. और इसका फायदा क्या है? That is used to protect the functional group. इसी acetals, and this is called the acetals, if you hydrolyze them in the presence of acid, it will convert back to make the starting material as well. तो इस reaction का बहुत फायदा है. So we can use this kind of reaction to protect the functional group. So protection means sometimes ऐसे होता है कि ऐसे कुछ organic compounds होते हैं जिनमें एक से ज्यादा functional group मौजूद होते हैं, तो हम उनमें से किसी एक functional group पे reaction करवाना चाहते हैं, तो दूसरे reaction groups को हम protect, दूसरे functional groups को हम protect करना चाहते हैं. So we protect them by reacting with the suitable reagent, जिनकी वजह से वो वहाँ stable हो जाते हैं. और जिस जगह पे हमें reaction करवाना होता है वहां से रिएक्शन करवाने के बाद वो रीजनरेट दैट फंक्शनल ग्रुप. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन. सो द रिएक्शन मे बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड ग्रुप अगेंस्ट अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. टू रीजनरेट एल्डिहाइड द एसिटाइल इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड. अगर हम समरी की बात करें तो आज के लेक्चर में हमने aldehydes and ketones के reaction में discuss किया है और हमने ये कहा है कि aldehydes और ketones में addition हो सकती है and that addition is nucleophilic addition, क्योंकि सबसे पहले nucleophile ने आके attack होना है carbon पे and this nucleophilic addition might be base catalyzed, it might be acid catalyzed. If it is base catalyzed, it will increases the nucleophilic reactor, it means it will generate the strong nucleophile. और अगर हम इसे कैटलाइज की बात करें सो इट विल क्रिएट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. तो इसका ये डिफरेंस है. बेस कैटलाइज में हमने तीन रिएक्शन स्टडी की है, एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ मीन आर द हैलोजन, हैलोफॉर्म रिएक्शंस. एंड इसे कैटलाइज में हमने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और हमने एसिटाल फॉर्मेशन और द एडिशन ऑफ अल्कोहल को डिस्कस की. तो अगर आप में किसी को क्वेश्चन हो तो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स. थैंक्स.